नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MLM ज्ञानी ज्ञान पर एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LPNT को लेकर के, जो लास्ट अभी हैप्पी सेक का जो लाइव वीडियो यहाँ पर आया है उसको लेकर के मैं आज कुछ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और जैसा कि इंटरनल वॉलेट आज से बंद हो रहा है तो इसके बारे में भी कुछ हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीच से इसके मत कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिले और पहले जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैप्पी सेक जो यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं अभी लास्ट टू डेज पहले, यहाँ पे दो दिन पहले की जो जूम मीटिंग हुई है उसकी जो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, वहाँ पर जो हैप्पी सेक बातें बोल रहे हैं। दोस्तों पहले तो मैं उस बातों को लेकर कुछ चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि यही सारी बातें मैंने भी यहाँ पर अपने पिछले 3 महीने पहले जो वीडियोस बनाई थी, जो अम्बाला में सेमिनार हुआ था उसके बाद जो वीडियोस बनाई थी उसमें भी लगभग यही सारी बातें मैंने भी घुमा के आपको बताया था। ये सारे रीज़न आपको यहाँ पर दिए थे कि जिसकी वजह से LPNT का प्राइस नहीं बढ़ रहा था। तो लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर बहुत कमेंट यहाँ पर किए, कुछ लोगों ने समझा, अच्छे कमेंट किए और कुछ लोग यहाँ पर मतलब गलत कमेंट भी करने लगे थे, बुरा भला भी कह रहे थे, यहाँ तक कि मतलब कुछ और भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। आज जैसे कि सकाला का बूम बूम वहाँ तब से तो गायब है, अब वो कहाँ गया सकाला का बूम बूम। और जो यहाँ पर जितने लोग भी कह रहे थे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप क्या जानते हो इसके बारे में, तो वो लोग आज कहाँ हैं? क्या हैप्पी सेक के वीडियो के ऊपर भी वो आज ऐसे बोल रहे हैं? फ़र्क बस इतना पड़ गया वो हैप्पी सेक ने बोल दिया और वो देर से बोला। मैं पहले भी कितनी बार आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ कि LPNT अगर यहाँ पर डाउन जाएगा तो सिर्फ यहाँ के सीनियर ही इसको ले डूबेंगे और वही हुआ है। आज जो LPNT की हालत हो रखी है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सीनियर्स की वजह से हुआ है, टीम मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। और जैसा कि यहाँ पर प्राइस डाउन होने का मेन रीज़न यही था कि सीनियर्स यहाँ पर अपने टोकन सेल करने में लगे हुए थे, अपना मनी बनाने में लगे हुए थे और एक्सचेंज से कोई बाई नहीं कर रहे थे, ब्लॉकचेन से कोई यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर प्राइस डाउन जा रहा था। ये सारी बातें मैं यहाँ पर पहले बता रहा था तो लोगों को बहुत खट्टा लग रहा था उस चीज़ों को सुन करके कि यार ये इसको नॉलेज नहीं है, कैसे बोल रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आज हैप्पी सेक को भी आप नेगेटिव बोल सकते हैं क्योंकि वो भी यही बातें बोल के यहाँ पे गए हैं। तो फिलहाल तो बात करें, अब इंटरनल ट्रांसफ़र आज यहाँ से बंद होने वाला है। आज 15 तारीख तक यहाँ पे बताया गया था कि 15 से बंद हो जाएगा, तो आज इसका फाइनल डे है और मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ना ही इसको मैं चेक किया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पाया, अभी तक कुछ भी टाइम नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफ़र अगर बंद हो जाएगा तो मेन बात होगी यहाँ पर क्या प्राइस बढ़ जाएगा इसका। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि आज जो कदम LPNT में यहाँ से उठाया गया है, इंटरनल ट्रांसफ़र जो बंद करने का ऑप्शन यहाँ पर लिया गया है, अगर ये काम ये आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर कर लेते तो एक चांस था कि इसका जो प्राइस है नेक्स्ट मंथ तक अच्छा चला जाता। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर इसको करने के लिए बड़ी देर कर दी है, अब इसका जो प्राइस है बढ़ने की उम्मीद बहुत कम लग रही है और बहुत ही बढ़ेगा तो बहुत टाइम लेगा, जल्दी कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े होल्डर्स थे उन लोगों ने अपने टोकन सेल किए हैं, वो दोबारा यहाँ पर बाई करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई भी पक्का नहीं है। और जब डाउन मार्केट जा रही है तो उम्मीद कम है कि वो दोबारा से अपने यहाँ पर टोकन बाई करेंगे, तो जब बाई नहीं करेंगे, एक्सचेंज से टोकन निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा कैसे? तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या रहेगी क्योंकि ये कदम LPNT को तब उठाना चाहिए था जब इन्होंने अपना डॉलर सिस्टम बंद किया था और वॉलेट से स्टेकिंग करना शुरू किया था। अगर ये कदम वो उसी टाइम उठा लेती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और इतना प्राइस LPNT का डाउन नहीं जाता, ना ही इनका यहाँ पर किसी का कोई नुकसान भी होता और ये और आगे बढ़ रहा होता, इसको लोग छोड़ के भी नहीं जाते बल्कि और ज़्यादा में आ रहे होते। तो फिलहाल LPNT ने ये देर किया है, बहुत देर किया है और ये LPNT नहीं, ये मैनेजमेंट टीम ने गलत किया है क्योंकि वही लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगे हैं बस टूर करने में, इधर मीटिंग करने में, उधर मीटिंग करने पे, लेकिन फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, वजह क्या है। कोई बता रहा है तो उसका मजाक उड़ रहा है कि इसको नॉलेज कैसे है, ये क्यों बता रहा है। तो फिलहाल ये हो रहा है, अच्छी चीज़ है इंटरनल बंद हो रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा? अब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे यहाँ पर जिनके अमाउंट्स आने वाले हैं, वो
क्या करेंगे, अब उनका इंटरनल में उसका जो डिविडेंड है वो तो आएगा, फिर वो पहले एक्सटर्नल में लेके जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ फीस कटाएंगे, उसके बाद वो एक्सचेंज में लेके जाएंगे, वहाँ भी कुछ फीस कटाएंगे, और इतनी फीस कटने के बाद जब वो उसको सेल करेंगे, अपने अकाउंट में पैसा लेंगे, उसके बाद वो 30% गवर्नमेंट को भी देंगे। तो यहाँ पर उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो किस तरीके से वो यहाँ पर अपना कर पाएंगे, इंटरनल ट्रांसफ़र बंद होने से काफ़ी हद तक देखा जाए तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ तक कि हालांकि दिक्कत तो सभी को होने वाली है, पर छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत परेशान होने वाले हैं, उनको यहाँ पर बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि वो एक्सचेंज पे ले जाने पे फीस देंगे, और फीस के साथ साथ उनका अगर छोटा डिविडेंड आया है तो वो कितना वहाँ पर रिफंड लेके जाएंगे कुछ नहीं पता। दूसरा, LPNT में बहुत बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि जब पहले LPNT शुरुआत में आया था, ये जो बोलता था वो पहले कर देता था, लेकिन अब बोलता है करता वो महीनों तक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम है अब बस कमा चुकी है, तो इसलिए अब ज़्यादा काम कर नहीं रही है, और अब इनकम सबकी हो चुकी है तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ रही, अब इंटरनल ट्रांसफ़र बंद कर देंगे, उसके बाद एक्सटर्नल शुरू रहेगा और एक्सचेंज पे जाके बाइंग सेल होगी, तो जो लोग जो लीडर्स थे जो पिछले 2 साल से ये नहीं सीख पाए, वो अभी बंद करने के बाद क्या लगता है आपको 1 महीने में सीख जाएंगे, और 1 महीने के बाद जब सीख जाएंगे तो प्राइस इसका 1 महीने में बढ़ा देंगे। तो फिलहाल तो 1 महीने में इसका कोई लगता नहीं प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अगर करना चाहते हैं, अगर तेज़ी से करा तो पॉसिबल भी कर सकते हैं, पर पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन है, और बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये ऊपर जाएंगे। ऊपर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी पूरी नीचे जा रही है, सारे कॉइन नीचे धसते चले जा रहे हैं, जैसा कि बिटकॉइन आज जो है 15 लाख को भी टच कर चुका है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर क्या है, बहुत मार्केट बहुत नीचे जा रही है। तो ऐसे माहौल में क्रिप्टो ये LPNT कितना ऊपर बढ़ पाएगा, ये तो अब हल्के हल्के टाइम बताएगा। तो फिलहाल तो ये जो कदम उठाया है वैसे तो ठीक है, लेकिन उठाने में देर में उठाया है, तो वही कहते हैं देर तो आए हैं ये इस कदम को लेकर के, लेकिन दुरुस्त हैं कि नहीं है ये हल्के हल्के टाइम भी बताएगा कि क्या इनकी पोजीशन रहेगी। तो फिलहाल LPNT अब आगे क्या करेगा ये तो हम सब देख ही लेंगे। दूसरा, LPNT की मैनेजमेंट टीम इतनी धीरी है कि जैसे कि कोई लोग यहाँ पर रिफंड पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में एक रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया था, वो रिफंड पॉलिसी यहाँ पे यूज़ किया है, आज उसको यहाँ पर अप्लाई किए हुए 10 दिन के ऊपर यहाँ पर हो चुका है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिफंड का कोई भी मौका नहीं आया है। बस बोलते हैं अप्लाइंग को बात करो, कम्युनिटी को बात करो, कम्युनिटी वाला फ़ोन नहीं उठाता है यहाँ पर, और टेस्ट वाले को पता नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पे रिफंड पॉलिसी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इस पर भी कोई भी LPNT का कोई भी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि डाल दिया है उसके कि अपने अप्लाइंग को बात करो, अपने जो भी यहाँ पे कम्युनिटी में है या प्रोजेक्ट में है उसको बात करो, तो जब उस बंदे को फ़ोन नहीं उठेगा तो यहाँ पर लोग कैसे अपना रिफ़ंड लेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर इनका जो प्लानिंग है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज मिलना बंद सी हो गई हैं, कोई भी सही से सर्विस यहाँ पर टाइम पे वर्क नहीं कर रही है। तो आज बस वीडियो में बस यही बात करना चाहता था कि ये है पब्लिक, इसको जब टाइम पे कोई सही बात बताता है तो यहाँ पे उसको समझ में नहीं आती, और जब उसी कंपनी का कोई दूसरा आज लीडर आके बोल देता है तो उनको बड़ी अच्छी लगती है। इस बात पे मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ, पिछले कई वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, और कई बार मैंने इसका रीज़न ये बताया है कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं सब इंटरनल हो रही हैं तो प्राइस कहाँ से बढ़ेगा, ये रीजन्स दिए हैं, और इस पर कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी मेरी यहाँ पर बहस हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। तो आज जब हैप्पी सिंह ने बोल दिया तब क्या मान लेंगे वो, तब क्या इस पर क्या करेंगे। मैं तो बस यही सब लोगों से जानना चाहता हूँ क्यों हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस पर सोचना ज़रूरी है, और आगे के लिए कुछ अच्छी सी प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो बताना चाहता था शायद आपको समझ पाए होंगे। तो ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।